हेलो स्टूडेंट, आज हमारा तीसरा चैप्टर है प्रतिरक्षा एंटीबॉडी। देखो प्रतिरक्षा क्या होती है। देखो जब हमारे शरीर में कोई भी एंटीजन प्रवेश करता है, तो हमारा शरीर अनुक्रिया प्रदर्शित करता है उस एंटीजन के प्रति, और अनुक्रिया प्रदर्शित करने के फलस्वरूप हमारा शरीर एंटीबॉडी बनाता है। अनुक्रिया करने के फलस्वरूप, ठीक है। देखो सबसे पहले होता क्या है, कोई भी बाह्य कारक, कोई भी सूक्ष्म जीव, कोई भी विष या कोई भी एंटीजन जब हमारे शरीर में प्रवेश करता है, तो हमारा शरीर एक अनुक्रिया प्रदर्शित करता है, और जिसके फलस्वरूप शरीर में एंटीबॉडी जो होती हैं उनका निर्माण होता है। और ये एंटीबॉडी जो होती हैं ये एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होती हैं। मैंने आपको बताया था एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों लगभग प्रोटीन नेचर के होते हैं, तो ये एक विशेष प्रकार की क्या होती हैं, प्रोटीन होती है, जिसे ग्लोब्यूलिन प्रोटीन कहा जाता है। जब चैप्टर चल रहा था अपना ब्लड वाला, उसमें ब्लड के रासायनिक संगठन में आया था ग्लोब्यूलिन प्रोटीन, जो एंटीबॉडी बनाने का कार्य करती है, ठीक है। तो जो एंटीबॉडी जो होती है वो एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है, जिसे ग्लोब्यूलिन प्रोटीन कहा जाता है। और इस ग्लोब्यूलिन प्रोटीन का स्राव लिम्फोसाइट लिम्फोसाइट जो कोशिका होती है उसके द्वारा किया जाता है। तो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन शरीर में एक प्रतिरक्षा का काम करती है, एक प्रतिरक्षण का काम करती है। शरीर के अंदर प्रतिरक्षण का कार्य कौन करता है, ये ग्लोब्यूलिन प्रोटीन करती है। ग्लोब्यूलिन प्रोटीन क्या होती है, एंटीबॉडी। और इस ग्लोब्यूलिन प्रोटीन का स्राव किससे होता है, लिम्फोसाइट से, जो किसका कार्य करती है, प्रतिरक्षण का कार्य करती है। इसलिए इस प्रतिरक्षा को प्रतिरक्षी ग्लोब्यूलिन कहा जाता है, इम्यूनोग्लोबुलिन आईजी कहा जाता है। आईजी जो है इम्यूनोग्लोबुलिन की संरचना का अध्ययन सबसे पहले 1940 में टिसेलियस व काबाट नामक वैज्ञानिक ने किया था। आईजी की जो संरचना है, इम्यूनोग्लोबुलिन की संरचना, उसका अध्ययन 1940 में टिसेलियस व काबाट ने किया था। उसके बाद हम बात करते हैं प्रतिरक्षी जो होता है, प्रतिरक्षी यानी कि एंटीबॉडी, उसकी संरचना की बात करते हैं। देखो प्रतिरक्षी की संरचना में सामान्यतः IgG इम्यूनोग्लोबुलिन जी प्रतिरक्षी जो होता है इसका अध्ययन किया जाता है। IgG जो है उसका अध्ययन किया जाता है, और इस IgG की संरचना अंग्रेजी वर्णमाला के Y के जैसे होती है, IgG में चार पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं, दो नीचे की तरफ होती हैं और दो ऊपर की तरफ होती हैं। तो IgG की संरचना अंग्रेजी वर्णमाला के Y के समान होती हैं, जिसमें चार पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती हैं।
जिसमें से दो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं जो होती हैं, दो पॉलीपेप्टाइड जो श्रृंखला होती हैं वो लंबी होती हैं, वो लंबी होती हैं, और इनमें 440 एमिनो अम्ल जो होते हैं वो उपस्थित होते हैं। इस श्रृंखला को हैवी चेन कहा जाता है, हैवी चेन कहा जाता है। टोटल चार पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं, जिसमें से दो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं क्या होती हैं, लंबी होती हैं, जिनमें 440 एमिनो अम्ल होते हैं, और इन श्रृंखला को हैवी मतलब कि भारी श्रृंखला कहा जाता है। ज़्यादा एमिनो अम्ल हैं तो इसलिए बोला जाता है भारी, हैवी श्रृंखला, यानी कि एच चेन के नाम से जाना जाता है शॉर्ट में, एच चेन। उसके बाद दो पॉलीपेप्टाइड जो श्रृंखलाएं होती हैं, दो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं वो छोटी होती हैं, दो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं क्या होती हैं, छोटी होती हैं, और इनके अंदर 220 एमिनो अम्ल होते हैं। एमिनो अम्लों की संख्या क्या होती है, कम होती है, इसलिए इनको लाइट चेन, हल्की श्रृंखला, या फिर एल चेन के नाम से जाना जाता है, एल चेन के नाम से जाना जाता है। ये कहाँ होती हैं, ये ऊपर की तरफ होती हैं। अब दोनों श्रृंखलाओं जो होती हैं, दोनों श्रृंखलाएं, ये दोनों श्रृंखलाएं और ये दोनों श्रृंखलाएं आपस में किसके द्वारा जुड़ी होती हैं, डाइसल्फाइड बंधों के द्वारा जुड़ी होती हैं। ये दोनों श्रृंखलाएं डाइसल्फाइड बंध के द्वारा जुड़ी हैं, ये दोनों श्रृंखलाएं आपस में डाइसल्फाइड बंध के द्वारा जुड़ी हैं, और ये दोनों भी आपस में डाइसल्फाइड बंध के द्वारा जुड़ी हैं, ये दोनों डाइसल्फाइड बंध के द्वारा, ये दोनों भी डाइसल्फाइड बंध के द्वारा, मतलब दोनों श्रृंखलाएं आपस में डाइसल्फाइड बंधों के द्वारा जुड़ी रहती हैं। इस इम्यूनोग्लोबुलिन जो है उसके एक सिरे पर NH2 ग्रुप पाया जाता है, एक सिरे पर कौन सा ग्रुप होता है, NH2 ग्रुप होता है, और इसके एक सिरे पर COOH ग्रुप होता है, एक सिरे पर NH2 और एक सिरे पर COOH समूह पाया जाता है। जिस सिरे पर NH2 समूह पाया जाता है, जिस सिरे पर NH2 समूह पाया जाता है उस सिरे को बोला जाता है V साइट, यानी कि वेरिएबल साइट, वेरिएबल का मतलब परिवर्तित होने वाला सिरा। और जिस तरफ COOH ग्रुप होता है उस सिरे को बोला जाता है C साइट, C सिरा, यानी कि कांस्टेंट सिरा, मतलब कि ये कभी भी क्या नहीं होता है, परिवर्तित नहीं होता है, ये वाला सिरा कभी भी परिवर्तित नहीं होता है, हमेशा एंटीबॉडी में जो V साइट जो होती है, वेरिएबल साइट, ये हमेशा क्या होती रहती हैं, एंटीजन के अकॉर्डिंग परिवर्तित होती रहती है, ये वाली संरचना एंटीजन के अकॉर्डिंग परिवर्तित होती रहती है, लेकिन जो ये C साइट होती है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, चाहे कैसा भी एंटीजन हो उसकी C साइट हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, लेकिन इसकी जो V साइट होती है वो क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू एंटीजन। उसके बाद हम इसके अणु भार की बात करते हैं, टोटल इस एंटीबॉडी का अणु भार जो है वो कितना होता है, वो होता है 150,000, 150,000 डाल्टन। अवसादन गुणांक जो है इसका, अवसादन गुणांक होता है इसका 7s। टोटल जो कुल इम्यूनोग्लोबुलिन जो है उसका
ये IgG लगभग 75-80% पार्ट जो है, भाग जो है यही बनाती हैं। IgG एकमात्र ऐसी एंटीबॉडी है, एकमात्र ऐसी प्रतिरक्षी है जो प्लेसेंटा के द्वारा शिशु जो है उसमें स्थानांतरित होती है। IgG एकमात्र ऐसी प्रतिरक्षी है जो प्लेसेंटा के द्वारा शिशु में स्थानांतरित होती रहती है। इसके अलावा IgG की कुछ मात्रा कोलेस्ट्रोम जो है उसमें भी पाई जाती है। IgG की मात्रा कुछ परसेंट किसमें पाई जाती है, कोलेस्ट्रोम में भी उपस्थित होती है। ये है अपनी पहली वाली IgG, और हमेशा इम्यूनोग्लोबुलिन की जो संरचना की हम बात करते हैं तो उसमें हमेशा IgG जो है, मतलब कि इम्यूनोग्लोबुलिन जी, उसकी संरचना जो है उसका ही क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं टोटल जो IgG जो है वो कितने प्रकार की होती हैं। टोटल IgG कितने प्रकार की होती, सामान्यतः होती 5 प्रकार की हैं। मैंने आपको पहले बताया था IgG, GAM, गमदे, ये 5 प्रकार की होती है। IgG, IgA, IgM, IgD, IgE, टोटल 5 प्रकार की क्या होती हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन जो होती हैं वो होती हैं। अब हम बात करते हैं इन 5 के बारे में। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक जो है वो आता है प्रतिरक्षियों का वर्गीकरण। WHO जो है, WHO के अनुसार, WHO के अनुसार प्रतिरक्षियों जो है उसका वर्गीकरण, और इसमें हम नंबर 1 पर बात कर लेते हैं। देखो WHO जो है उसने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसने प्रतिरक्षियों को 3 समूह में वर्गीकृत किया है। एक तो IgG, एक IgM, एक IgA, टोटल 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया है IgG को, इम्यूनोग्लोबुलिन को, WHO ने। लेकिन इन 3 के अलावा हमारा जो रक्त है, रक्त सीरम, उसमें इन तीनों के अलावा 2 प्रकार की IgG और होती हैं, और उनका नाम है IgD और IgE। तो टोटल 5 प्रकार की प्रतिरक्षी जो होती हैं वो हमारे रक्त समूह के अंदर उपस्थित होती हैं, और इन प्रतिरक्षी जो है उनका औसत अणुभार जो होता है वो लगभग 1.5 लाख डाल्टन होता है। इनका जो IgG जो है, इनका प्रतिरक्षी जो है उसका औसत अणुभार जो है वो लगभग 1.5 लाख होता है। औसत अणुभार लगभग 1.5 लाख होता है, और जिसमें से जो हैवी चेन होती है उस हैवी चेन का लगभग होता है 50,000 से 70,000 डाल्टन तक इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है हैवी चेन का। और जो लाइट चेन होती है उसका लगभग 30,000 से 50,000 तक होता है, 30,000 से 50,000 तक उसका क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट होता है। उसके बाद हम बात करते हैं सबसे पहले IgG जो है उसकी संरचना की हमने बात कर ली। अब नंबर 2 पर आता है IgM, इम्यूनोग्लोबुलिन M। जो इम्यूनोग्लोबुलिन M होती है ये सबसे बड़े आकार की प्रतिरक्षी होती है। ये वाली इसकी जो संरचना है ये सबसे बड़े आकार की प्रतिरक्षी होती है। संक्रमण के समय सर्वप्रथम यही एंटीबॉडी जो होती है वो अनुक्रिया प्रदर्शित करती है। संक्रमण के समय IgM जो सबसे बड़े आकार की होती है ये संक्रमण के समय सबसे पहले अनुक्रिया प्रदर्शित करती है। इसका जो अणुभार होता है, इसका अणुभार होता है लगभग 9
लाख पचास हजार होता है, 9,50,000 इसका क्या होता है, डाल्टन मतलब कि अणुभार होता है। और इसके अलावा अवसादन गुणांक जो है इसका, अवसादन गुणांक होता है इसका 19s। और उसके बाद ये टोटल आईजी जो है उसका 5 से 10% भाग निर्मित करती हैं। इसके अलावा आईजीएम जो होती हैं, आईजीएम मतलब कि इम्यूनोग्लोबुलिन एम, ये रक्त सीरम में पेंटामर, रक्त जो होता है उसके अंदर पेंटामर यानी कि 5 भुजाओं के रूप में होती हैं, 1 2 3 4 5, 5 भुजाओं के रूप में होती हैं, जिसकी प्रत्येक भुजा में एक हैवी चेन, ये अंदर की साइड वाली हैवी चेन होती है, प्रत्येक भुजा में एक हैवी चेन, और एक जो होती है वो लाइट चेन होती है, ये वाली जो होती है ये इसकी लाइट चेन है, ये हैवी चेन है और ये वाली इसकी लाइट चेन है। तो प्रत्येक भुजा में एक हैवी चेन और एक लाइट चेन होती है, जो दोनों आपस में डाइसल्फाइड बंध के द्वारा जुड़ी रहती हैं, जो दोनों आपस में डाइसल्फाइड बंध के द्वारा जुड़ी रहती हैं। तो आईजीएम की 5 भुजाओं के मध्य एक छोटी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला और पाई जाती है, जिसकी संरचना सी अंग्रेजी वर्णमाला के सी के समान होती है, इसलिए इसको बोला जाता है सी चेन कहा जाता है। उसके बाद नंबर 2 पर आती है आईजीडी। आईजीडी जो है इम्यूनोग्लोबुलिन डी, इसका अणुभार होता है 1,85,000 डाल्टन। ये इसका क्या होता है अणुभार। अवसादन गुणांक होता है इसका 7s। टोटल जो आईजी होती है उसका ये 1 से 3% भाग निर्मित करते हैं। आईजीडी जो है इसका अभी तक कोई भी कार्य ज्ञात नहीं हुआ है, लेकिन ये माना जाता है कि जो आईजीडी जो होती है वो एलर्जी के समय या फिर विष के संक्रमण के समय शरीर को सुरक्षा प्रदान करती है। ये आईजीडी माना जाता है कि एलर्जी के समय या फिर विष के संक्रमण के समय क्या करती है, शरीर को सुरक्षा प्रदान करती है। तो ये है नंबर 3 पर आईजीडी, नंबर 2 पर आईजीएम, नंबर 1 पर आईजीजी हो गया था। उसके बाद हम बात करते हैं आई जी ए जो होता है उसकी बात कर लेते हैं। तो टोटल हो गई 3। अब नंबर 4 पर हम बात कर लेते हैं नंबर 4 पर आईजीए जो होती है वो लार में, लार अश्रु यानी कि आंसू, मूत्र जनन मार्ग, मूत्र जनन मार्ग, आमाशय आत्र के स्राव जो होता है वहां पर उपस्थित होती है। आईजीए लार आंसू मूत्र जनन मार्ग आमाशय व आत्र स्राव जो है वहां पर उपस्थित होती हैं। इसके अलावा आईजीए की कुछ मात्रा जो होती है वो कोलेस्ट्रॉम में भी पाई जाती है, कोलेस्ट्रॉम जो होता है उसमें भी पाई जाती है आईजीए जो है उसकी मात्रा। अणुभार की यदि हम बात करें, अणुभार होता है 1,60,000 डाल्टन। अवसादन गुणांक इसका होता है 11s। टोटल आईजी का लगभग 10 से 15% भाग निर्मित करती है आईजीए। इसके अलावा आईजीए जो होती है वो किसी भी चीज को मतलब कि सूंघने के लिए या फिर निगलने से संबंधित तो जो संक्रमण होते हैं, किसी भी चीज को सूंघने के लिए व निगलने से संबंधित तो जो संक्रमण होते हैं उससे भी, उसमें भी आईजीए जो है वो क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल में उपस्थित होने के कारण ये शिशु जो होता है शिशु को भी क्या करती हैं, सुरक्षा प्रदान करती हैं
उनके मतलब की प्रारंभिक संक्रमण के इसमें। इसके अलावा IgA जो होता है इसको IgA इसको अंतःस्रावी प्रतिरक्षी ग्लोबुलिन भी कहा जाता है, अंतःस्रावी प्रतिरक्षी ग्लोबुलिन भी कहा जाता है, जिसकी संरचना में दो भुजाएं होती हैं और जिसकी संरचना की यदि हम बात करते हैं तो कितनी भुजाएं होती हैं, दो। प्रत्येक भुजा में एक हैवी चेन होती है और एक लाइट चेन होती है, और ये दोनों जो श्रृंखलाएं होती हैं इनके बिल्कुल मध्य भाग में एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है जिसे जे चेन कहा जाता है, जिसे जे चेन कहा जाता है। उसके बाद नंबर पाँच पर आती है आई जी ई जो है इसका अनुभार होता है 200,000 डाल्टन, 200,000 डाल्टन इसका क्या होता है, अनुभार होता है। इसके अलावा अवसादन गुणांक इसका होता है 8S, टोटल आई जी का ये परसेंट बनाती 0.5% भाग बनाती हैं। आई जी ई ये वाली जो है इसकी संरचना ये है, आई जी ई रक्त प्लाज्मा में सबसे कम मात्रा में पाई जाने वाली आई जी होती है, सबसे कम मात्रा में होती है आई जी ई, और आई जी ई मास्ट व बैसोफिल कोशिका को उत्तेजित करती है, मास्ट सेल व बैसोफिल सेल उसको क्या करती है, उत्तेजित करती है, जिससे हिस्टामिन का स्राव होता है। और आई जी ई एलर्जी व फिर एलर्जी से संबंधित कोई भी जो रोग होता है उससे सुरक्षा प्रदान करती है। तो टोटल ये पांच प्रकार की आई जी हैं, एक तो आई जी जी, आई जी ए, आई जी एम, आई जी डी, आई जी ई, टोटल पांच प्रकार की क्या होती हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन यानी कि प्रतिरक्षी जो होती हैं वो होती हैं एंटीबॉडी, जिसमें से सबसे प्रमुख होती है आई जी जी।